नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल के बारे में। देखिए, अगर आप कहीं से भी किसी के भी कहने पर और कोई भी दवा का इस्तेमाल कर लेते हैं तो जरा रुकिए, पहले उस दवा की सही इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसी के बाद आप उसको यूज कीजिए। क्योंकि कई बार किसी के कहने पर आप कोई दवाई लेते हैं, बाद में आपको कई नुकसान दिखाई देने लगते हैं। वैसे तो पतंजलि एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो आपको पहले इसके बारे में ट्रू एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जरूर लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलें, जिससे कि आप प्रोडक्ट्स की सही इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पतंजलि अश्वशिला क्यों यूज की जाती है, किन किन लोगों को इसको यूज करना चाहिए, इससे संबंधित सावधानियां, साइड इफेक्ट और यूज करने का तरीका क्या है, किस उम्र से किस उम्र तक के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल कुछ इस तरह की कार्टन बॉक्स के अंदर आती है और इसको जैसे ही आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह के ब्लैक कैप्सूल आपको 20 कैप्सूल्स आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल का प्राइस है ओनली 70 रुपीज, जो कि आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी या आपको किसी भी पतंजलि मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाती है। पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल को खरीदते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की। इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों, ये है ट्रस्ट विंड पेनिस एनलार्जमेंट पंप। इसका नियमित उपयोग करने से आपका लिंग लंबा, मोटा और हार्ड हो जाता है। यही नहीं, अगर आपके पेनिस में टेढ़ापन है तो ये समस्या भी खास किस्म से बनाया गया ये पेनिस पंप दूर करता है। ये पंप क्या है और कैसे काम करता है, अधिक जानकारी लेने के लिए आप वीडियो में ऊपर कोने में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये 2 साल बाद तक ये दवाई खराब नहीं होती, सो आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और इसकी एक्सपायरी डेट देखकर ही इसको परचेज करें। अगर नजर डालें पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल के नाम के ऊपर तो इसमें आप देखिए ये है अश्वशिला, फर्स्ट अश्वगंधा प्लस शिलाजीत दोनों के गुणों के साथ इस दवाई को बनाया गया है। पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल आयुर्वेद का एक उत्पाद है और दोस्तों आयुर्वेद में अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों को ही पावरफुल हर्ब्स माने गए हैं। पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल के अंदर अश्वगंधा 200 मिलीग्राम और शिलाजीत 200 मिलीग्राम इक्वल क्वांटिटी के साथ डाले गए हैं और दोनों का क्या काम है चलिए आइए देख लेते हैं। दोस्तों, अश्वगंधा जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में विठानी सोम्यफेरा भी कहा जाता है, इसमें ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाकर आपको ज्यादा स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं और यही नहीं, ये आपको बल प्रदान करता है। वहीं शिलाजीत एक ऐसी जड़ी बूटी है हिमालय के पर्वतों के बीच में पाई जाती है। ये काले रंग का एक तरल पदार्थ होता है, इसका शरीर के लिए बहुत अद्भुत फायदे होते हैं। दोस्तों, अश्वगंधा जहां शारीरिक ताकत को बढ़ाने में काम आती है, वहीं पुरुषों की कई और समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल के इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या बेनिफिट दिखाई देंगे। सबसे पहले, पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल को केवल पुरुषों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये शारीरिक कमजोरी, चक्कर आने के लिए, अगर आपको बार बार चक्कर आते हैं, थकावट बहुत ज्यादा महसूस होती है, शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी है तो पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल इस पर्पस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये आपके शरीर को एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपका शरीर कमजोर और थकावट भरा रहता है तो ये उसमें बहुत ज्यादा काम आता है। वहीं दोस्तों, अगर आप पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो ये मानसिक कमजोरी को भी दूर करता है, मेंटली स्ट्रेस को दूर करके कामेच्छा शक्ति को बढ़ाने में काम आता है। इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों, ये है ट्रस्ट विंड पेनिस एनलार्जमेंट पंप। इसका नियमित उपयोग करने से आपका लिंग लंबा, मोटा और हार्ड हो जाता है। यही नहीं, अगर आपके पेनिस में टेढ़ापन है तो ये समस्या भी खास किस्म से बनाया गया ये पेनिस पंप दूर करता है। ये पंप क्या है और कैसे काम करता है, अधिक जानकारी लेने के लिए आप वीडियो में ऊपर कोने में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। पता है दोस्तों, अगर आपको नींद नहीं आती, नींद न आने की समस्या में भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जब आप इसको लेना शुरू कर देंगे तो ये आपको काफी अच्छी नींद देगा। इसका तीसरा और सबसे अहम बेनिफिट ये है कि ये पुरुषों की कई सारी समस्याओं को खत्म करता है, यौन दुर्बलता, धातु रोग
ऑल्डिंग को टाइट और हेल्दी बनाने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में स्टैमिना की कमी है तो आप अपनी बीवी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते। अश्वशीला कैप्सूल आपके शरीर में स्टैमिना और टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करके आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। यौन दुर्बलता को ठीक करता है। कई लोग धातु के रोग के शिकार होते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव देखा गया है। अगर आपका प्राइवेट पार्ट यानी पेनिस आपका बहुत ज्यादा ढीला है तो इरेक्शन अच्छे से नहीं बन पाता, तो ये आपको काफी अच्छे से इरेक्शन देने में मदद करता है और आपके पेनिस की साइज को इंक्रीज करने के साथ साथ उसको टाइट और हेल्दी बनाने में भी काम आता है। दोस्तों, पतंजलि अश्वशीला का चौथा जो बेनिफिट है, ये वजन को मेंटेन करने के लिए बहुत काम की चीज़ है। दोस्तों, इसमें अश्वगंधा है जो कि वजन बढ़ाता है और शिलाजीत वजन घटाती है, तो इसलिए पतंजलि अश्वशीला वजन को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। वहीं ये जॉइंट स्पैन के लिए भी बहुत अच्छा है, वात रोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, शरीर में रोगों को लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। ये एक बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पतंजलि अश्वशीला आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और शरीर पर आने वाली छोटी छोटी बीमारियां, कफ, फ्लू और जुकाम, इन सब में भी बहुत फायदा करता है। अगर किसी को यूरिनरी डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम है तो उसमें भी पतंजलि अश्वशीला कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस को दूर करके आपके शरीर के वजन को मेंटेन करने का काम करता है। ये सूजन यानी इन्फ्लामेशन में भी बहुत फायदेमंद होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, पतंजलि अश्वशीला कैप्सूल्स केवल अडल्ट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बात की जाए इसको यूज कैसे किया जाता है, पतंजलि अश्वशीला कैप्सूल को यूज करने का तरीका है, दिन में अडल्ट्स के लिए एक कैप्सूल हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अडल्ट्स हैं तभी आप इसका इस्तेमाल करें। पतंजलि अश्वशीला कैप्सूल को ज़्यादा लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप 18 से ऊपर के हैं तो आपको इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए अपनी इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए। अगर आप 17 साल के हैं या फिर 16 साल के हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र 16 से कम है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन कैप्सूल की प्रकृति थोड़ी गर्म होती है। क्योंकि पतंजलि अश्वशीला के अंदर दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि आपके शरीर की गर्मी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिससे कि इससे जोश की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ आप अपनी बीवी को पूरी तरह से संतुष्ट भी कर सकते हैं। मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अहम मानी जाती है। और हाँ, पतंजलि अश्वशीला कैप्सूल को ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं लेना चाहिए। जब आप इसको लें तो हल्के गुनगुने पानी से ही लें। अगर आप इसको लेते हैं तो ज़्यादा लंबे टाइम तक इसका सेवन ना करें। आप इसका सेवन 2 महीने तक कर सकते हैं। 2 महीने के बाद बीच में गैप दे दीजिए, 15-20 दिन या फिर 1 महीने के गैप के बाद आप फिर से इसको ले सकते हैं। बात की जाए पतंजलि अश्वशीला कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट की, तो दोस्तों इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन गर्मियों के टाइम में और अगर आपके शरीर की गर्मी ज़्यादा बढ़ी रहती है तो आप पतंजलि अश्वशीला कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे कि लूज मोशन हो सकते हैं, शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, क्योंकि इन कैप्सूल की प्रकृति गर्म है। तो इसको मैंने आपको पहले भी बताया, 2 महीने तक लें, उसके बाद बीच में गैप छोड़ दें और फिर उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। ये आपको कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। बात करते हैं कुछ सावधानियों की यानी प्रिकॉशंस की। पतंजलि अश्वशीला कैप्सूल को लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपकी हेल्थ नॉर्मल है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी या फिर कोई अदर कोई मेडिकेशन चल रहा है, आप किसी और बीमारी की दवाई ले रहे हैं, एक बार डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, पतंजलि अश्वशीला कैप्सूल के बारे में ये थी कुछ जानकारी। चाहती हूँ कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो और सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच गई हो। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।